हाथ में चने लेकर सुनते हैं भैया दोषी कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। तब जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। सातवें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख में बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई। भैया उधर जाने को हुई तो भाई ने कहा, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है। उधर जब बहन को पता चला उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल हो पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई आए तो हमें क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया, दूध से रसोई ले, वो घी से चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। उसने कहा सांप से, भाई बोला कि मुझे मत डर, क्यों डस रहा है वो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर मुझे यकीन नहीं है, तुझे यकीन नहीं है तो मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ तब मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया, दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे, ना ही चावल में घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। भाई बोला, पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध में भी कोई रसोई लीप है। गोबर में रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने झोला ले लिया जिसमें से सांप था। ऐसा जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भैया बोला, बहना मुझे पसंद है, तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर दिए एक डिब्बे में। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चे आए कहने लगे, भूख लगी है, माँ से कहा खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा का जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी हो गई, होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वहीं तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसको भी पीछे पीछे आ गई तू। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाए हैं। अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है, भाई को कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन पर 6 सिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये सिला किसकी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके साथ बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी सातवें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह मंडप भी मर जाएगा, तब यह सातवीं सिला भी जमीन में गाड़ दी जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भैयाओं के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने सातवें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी
तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। अब ऐसा सुनकर सब लोग परेशान हो गए और सेहरा बहना को दे दिया। बहना ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने को दे दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये दरवाजे से क्यों, दरवाजे से ये निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूँगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो उसको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को साथ में अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और वो जैसे ही दूल्हे को डसने लगा तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले तीन बार बोल। नागिन ने तीन बार बोला, फिर बोला कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं, तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहु बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई, बोली, यह सब तो मेरी बावली का ही किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे, देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा तो और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। बोल भाई दूज की जय। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कहानी है यमराज और उसकी बहन की। तो शुरू करते हैं भाई दूज की कहानी। एक कथा, यह कथा सूर्यदेव और छाया के पुत्र पुत्री यमराज और यमुना से संबंधित है। यमुना अक्सर अपने भाई यमराज से स्नेहवश निवेदन करती थी कि वे उनके घर आकर भोजन ग्रहण करें, परंतु यमराज व्यस्त रहने के कारण यमुना की बातों को टाल देते थे। कार्तिक के महीने की द्वितीय शुक्ल को यमुना अपने द्वार में आए भाई को यमराज को खड़ा देखकर हर्ष विभोर हो गई। प्रसन्न होकर स्वागत किया और भोजन करवाया। बहन भाई के प्रेम के समर्पण स्नेह से प्रसन्न होकर यमदेव ने वर मांगने को कहा। तब यमुना ने भाई यमराज से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आए, और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका कर भोजन खिलाए उसे बह न रहे।
यमराज ने तथा अस्तु कहकर हम लोग चले गए। तब से मान्यता है कि जो भाई आज के दिन पूरी श्रद्धा से बहन के आतिथ्य को स्वीकार करता है उसे बहन को यमदेव का भय नहीं रहता। इसलिए ऐसी मान्यता प्रचलित है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा के बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं उन्हें तथा उनकी बहन को इसका भय नहीं रहता। कहते हैं कि इस दिन भाई बहन को इस रस्म को निभाकर यमुना जी में स्नान करना चाहिए और यमराज यमलोक की यातना नहीं देते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उसकी बहन की पूजा की जाती है। भाई और को भोजन के साथ पान भी खिलाने का महत्व है। बोल माता की जय हो। गणेश जी की कहानी। एक बूढ़ी अम्माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वह बोली मेरे पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरी पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो जाए, वो चीने ढह जाए, चीने और ढह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वह कहने लगी एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरे पत्थर का गणेश घड़ दो, हमने नहीं घड़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन नहीं रही, बनाते हैं ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई, सेठ ने कहा हम तुझे सोने का गणेश घड़ कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ा दिया, सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबके हो। कहते सुनते हो कारवर्ते का बल।